एवरीवन, वेलकम टू रिद्धिज फूड जोन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे आचारी आलू। इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बिल्कुल आसान तरीके से और कम टाइम में बन जाता है और खाने में तो ये इतना टेस्टी लगता है कि आप पूछो ही मत। तो ये चटपटे मज़ेदार आलू कैसे बनेगा, चलिए इसकी हम रेसिपी जान लेते हैं। आचारी आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो छोटे छोटे आलू आते हैं वो 200 ग्राम के करीब आलू लिए हैं। इस आलू को मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। अब इसको मैं कुकर में डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी और मैं अभी से इसमें एक चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक मैं इसलिए इसमें अभी डाल रही हूँ क्योंकि बाद में जब इसमें नमक डालेंगे तो आलू में अंदर तक नहीं जाएगा और आलू हमारा फीका लगेगा। अभी से नमक डालने से आलू हमारा थोड़ा सॉल्ट वाला बन जाएगा। अब मैं 5-6 सीटी करके आलू को अच्छी तरह से उबाल लूँगी। आलू हमारा उबल रहा है तब तक हम आचारी मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और साथ में मैंने 2 सूखी लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी लिया है। तो अब हम इन सभी मसाले को एक पैन लेके हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इस पैन में मैं डालूँगी सभी मसाले को और फिर इस मसाले को मैं गैस की फ्लेम लो रखकर अच्छी तरह से 1-2 मिनट भून लूँगी ताकि ये जो हमारा मसाला है उसमें कोई मॉइस्चर होगा तो वो मॉइस्चर उड़ जाएगा और हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप मसाले को चलाते हुए अच्छी तरह से 1-2 मिनट भून लीजिए और आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिए वरना तेज आंच पर हमारे जो मसाले हैं वो सारे जल सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भून गया है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। आलू को हमने जो बॉयल करने रखे थे वो आलू भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अब इसको मैं छिलके से अलग कर लूँगी। तो ये देखिए, आलू में से मैंने छिलका निकाल लिया है। यहाँ पे ये जो हमारा मसाला था वो भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं तो इसको भी मैं एक मिक्सी जार लेकर उसमें डाल दूँगी और फिर इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो ये देखिए, ये सभी मसाले को मैं इस मिक्सी जार में डालूँगी, फिर इसको मैं दर दरा सा पीस लूँगी। आप इसका फाइन पाउडर मत बनाइए, थोड़ा सा इसको दर दरा रखे तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मसाले को मैंने पीस लिया है। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है, फाइन पाउडर नहीं बनाया। अब मैं लूँगी एक पैन। पैन अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें मैं डालूँगी 2-3 बड़े चम्मच तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें मैं डालूँगी बारीक चॉप किए हुए लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन और हरी मिर्च को भी मैं इस तेल में अच्छी तरह से सोते कर लूँगी। अब इसमें डालूँगी हमने जो बॉईल किए हुए आलू रखे थे वो सारे आलू को मैं इस तेल में डाल दूँगी। फिर इस आलू को भी मैं तेल में अच्छे से चलाते हुए 1-2 मिनट फ्राई कर लूँगी ताकि आलू हमारा हल्का सा क्रिस्पी बन जाए। तो ये देखिए, आलू को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने जो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर आता है उसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 मिर्च को वो मसाले के साथ पीसा है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर आता है उसको भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें डालूंगी हमने जो आचारी मसाला बना के रेडी किया है वो 2 बड़े चम्मच के करीब आचारी मसाला डालूंगी। आपको वो मसाला सारा नहीं डालना, बस 1.5 या 2 बड़े चम्मच के करीब ही डालना है। मुझे ये जो मसाला है वो आलू के ऊपर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें 1 या 1.5 चम्मच भी डाल सकते हो। अब इस मसाले को मैं आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाकी जो हमारा मसाला बचा है आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। अब इसमें डालूँगी मैं 1 छोटा चम्मच नमक। ध्यान रखें, आलू को हमने जब उबाला था तब भी हमने नमक डाला था तो बस आप थोड़ा सा ही डालिए।
फिर ऊपर से इसमें मैं डालूंगी आमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि जब हमने मसाला बनाया था तब मैंने जो सूखे मेथी के दाने आते हैं वो नहीं डाला था, मुझे इसमें कसूरी मेथी ज़्यादा पसंद है। अब इन सभी मसाले को मैं इस आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा अचार आलू तो बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको निकाल लूँगी मैं एक सर्विंग बोल में। ये देखिए, हमारा मज़ेदार चटपटा अचार आलू बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हो, या फिर आप इसे रोटी पूरी या पराठा किसी के भी साथ खा सकते हो। ये आलू जो है वो आपको सभी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।